Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodotus. The question says, calculate the ratios of the following accelerations. The acceleration W1 due to the gravitational force on the Earth's surface. The acceleration W2 due to the centrifugal force of inertia on the Earth's equator. एंड देशन डब्ल्यू थ्री कॉज्ड बाय द सन टू द बॉडीज ऑन दी अर्थ तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यू वन की जो की क्या है जो की है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दर्थ सर्फिस की वजह से एक्सेलरेशन ठीक तो है तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई पार्टिकल है जिसका मास एम नॉट है तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ इसको मैं एफ वन बोल दे रहा हूं तो F1 हमारा हो जाएगा g कैपिटल एम ई कैपिटल एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ इन टू एमओ अपॉन यहां पर क्या लिख दें कैपिटल R का स्क्वायर या R क्या है रेडियस ऑफ दी अर्थ ठीक है तो अगर हमें W1 चाहिए तो W1 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास क्लियर है ये बात तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा g एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर ठीक है तो देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है W1 बराबर हम लोग लिख देंगे G की वैल्यू होती है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाई मास होता है लगभग बच्चों 5.96 पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी किलोग्राम ठीक है सब कुछ ऐसा यूनिट में भरना है अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेर तो देखिए बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ होता है लगभग 6.37 पॉइंट थ्री सेवन इंटू की पावर सिक्स मीटर ठीक है तो इसकी पावर टू कर देंगे ठीक है तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग इतना आ जाता है पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड किसके बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अराउंड है ठीक है अब बच्चों देखिए हमारे को w2 निकालना है तो w2 क्या है तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू देंट्री फ्यूगल फोर्स ऑफ इनर्शिया ऑन दी अर्थ इक्वेटर तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर इक्वेटर पे कोई पार्टिकल है तो उसके ऊपर सेंट्री फ्यूगल फोर्स है ना एफ टू मैं इसे कह देता हूं तो एफ टू सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो है वो कितना लग रहा होगा तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग इसके रेस्पेक्ट में बात करें सेक्सेस के अबाउट तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एफ टू हो जाएगा कितना एम नॉट अगर पार्टिकल का मास मैं एम नॉट ले रहा हूं तो एम नॉट ओमेगा स्क्वेर इन टू रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है और अगर हमारे को एक्सेलरेशन निकालना है W2 तो वो हो जाएगा F2 टू अपन एम नॉट क्लियर बात तो हमारे को कैलकुलेट करना है W2 वो कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है तो देखिए बच्चों अगर हम लोग यहां पर ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो वो हो जाएगा टू पाई बाय टाइम पीरियड ठीक है टू पाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ ठीक है तो अब हम लोग क्लियरली जानते हैं बच्चों की टाइम पीरियड क्या होता है वो होता है ट्वेंटी आवर्स तो यहां पर लिखेंगे टू पाई अपॉन ट्वेंटी फोर आवर्स लेकिन इसे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ठीक है तो इसे थर्टी सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा अब इसका करना है हमें स्क्वायर और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है रेडियस ऑफ अर्थ के साथ ठीक है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन की पावर कितना लेना है हमें सिक्स लेना है और ये मीटर में आता है ठीक है तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा लगभग 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ठीक है चलिए बच्चों तो अब हम लोग W3 निकालेंगे तो w3 क्या है बच्चों? तो ये है एक्सेलेशन कॉज्ड बाय द सन टू द बॉडीज ऑन दी अर्थ ठीक है तो मान लीजिए कि ये जो एम नॉट है ये कहां पर है ये अर्थ पर है और सन की वजह से हमें देखना है कि इसके ऊपर जो फोर्स एफ थ्री लग रहा है, है ना उसकी वजह से एक्सेलरेशन डब्ल्यू थ्री कितना आएगा क्लियर है ये बात तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स F3 है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा G मास ऑफ सन मल्टीप्लाइड बाई एम नॉट अपॉन आर स्क आर क्या है ये R है सन के सेंटर से इस पार्टिकल की दूरी दैट इज सन के सेंटर से अर्थ की दूरी क्लियर है ये बात अब देखिए बच्चों इस फोर्स की मदद से अगर हमें W3 निकालना है तो W3 सिंपली कितना हो जाएगा F3 थ्री अपॉन एम क्लियर रही बात तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो W3 है वो सिंपली कितना आ G एम एस अपॉन आर का स्क्वायर ऑलराइट right? तो चलिए बच्चों आप पुट कर देते हैं यहां पर W3 बराबर हो जाएगा G की वैल्यू हमें पुट करनी है कितनी 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर माइनस इलेवन क्लियर मास ऑफ सन बच्चों होता है वन पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन टू द पावर थर्टी किलोग्राम ठीक है अपॉन आर का स्क्वायर तो ये आर लगभग हो जाएगा 149.50 फोर्टी इंटू टेन टू द पावर सिक्स इंटू टेन टू द पावर थ्री इसका करना है हमें स्क्वायर ठीक है तो बच्चों इसे कैलकुलेट करने पर ये आता है 5.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको लगभग हम लोग कितना कह सकते हैं जिसको लगभग हम लोग कह सकते हैं सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि W1 वन हमारा कितना आया था वो लगभग आया था टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है इसी तरीके से W2 हमारा कितना आया था वो आया था जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और W3 हमारा आया लगभग कितना तो ये आ गया था सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल राइट right. तो अब अगर बच्चों हमें W1 वन इज टू डब्ल्यू टू इज टू डब्ल्यू थ्री निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग सिंपली एक काम कर सकते हैं कि सबको 10 से डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा ये रेशियो मिल जाएगा वन इज टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर इज टू कितना आ जाएगा अगला टर्म तो इसे भी 10 से डिवाइड करना होगा तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो 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 सिक्स ठीक है तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई वैल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय